So even though we face the difficulties of today. जब कई दिनों के बाद पहले पहले बार वर्कआउट करने चलते हैं, तब हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही फ्रेश होते हैं, मगर उनको थकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसीलिए वो कई दिन के बाद वाले पहले पहले वर्कआउट से हम जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और अगले दिन के लिए हमारी मसल्स भी दर्द से भर जाती हैं। और फिर लेटने में दर्द, बैठने में दर्द, उठने में दर्द, चलने में दर्द, और इस दर्द को हम अगले दिन वर्कआउट करके आने का बहाना बनाने की बजाय इसको छुपाकर, इसको एक कवर देके अपने दिमाग को एक मीठी गोली दे देते हैं कि इतना भी एकदम से नहीं करना चाहिए, इंजरी हो सकती है। जबकि सबसे बड़ी इंजरी की शुरुआत इस खुद को दी गई मीठी गोली, इस ढकोसले से हम शुरू कर चुके होते हैं। पहले दिन के उस वर्कआउट के दर्द का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन हमें इंजरी होगी ही होगी। ज्यादातर इंजरीज तो बैठे बैठे होती हैं। उस दर्द का मतलब है कि हमारी बॉडी को कल के वर्कआउट के बाद जहां जहां कोई कमी लगी होगी, वहां वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से सोचा जाए तो वो तो बस अगले दिन के वर्कआउट की तैयारी में लगी हुई है। जहां जहां कल हम अपने जोश को ज्यादा निकाल के आए थे, वहां वहां आज दर्द देकर बॉडी तो बस अपना काम कर रही है। और इस स्थिति में माइंड क्या बोलेगा कि दर्द है तो जाने का नहीं। लेकिन हमें इस ब्रह्मा की बातों में आने का नहीं। मसल पेन और इंजरी के पेन में बहुत फर्क है। मसल पेन भागने से, वेट उठाने से, या बहुत देर तक चलने से, झुकने से, कूदने से होता है। और इस वाले दर्द को हम इंजरी डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि चोट के दर्द में और कसरत के दर्द में जमीन आसमान का फर्क है। दर्द हो रहा है, कल ज्यादा दौड़ लिया था, उठने का मन नहीं कर रहा। ओह, खुद को ही रेस्ट करने को कह दिया है, खुद को माफी दे दी, टाइम ऑफ दे दिया, पर कभी खुद को चैलेंज भी दिया है, खड़ा हो, जूते पहन और निकल पड़ बांध के अपने फीते फाते। बहुत पागल होना पड़ता है, खिताब ऐसे पड़े रहकर नहीं जीते जाते। मैदान में पहुंच, वहां देख, कोई ना कोई तो जरूर आया होगा, और अगर आज तू नहीं पहुंचा तो सोच उसने तेरे ना आने से कितना हौसला पाया होगा। हारना जीतना ये सब लगा रहता है, तू रोज पहुंचने की आदत तो बना। बीमारी, सर्दी, गर्मी, चोट, ये भाई मौसम है, इनको अपना घर मत बना। गिरेगा, चोट भी लगेगी, कभी कभी तेरी तबीयत भी खराब रहेगी, पर अब चोट को तू लग जा, और जिद्दी हो तो तबीयत भी लाजवाब रहेगी। ये तो सब बहाने हैं, तेरा दिमाग तेरे मजे लेता है, क्योंकि जिस दिन रेस हो ना दोस्त, उस दिन तबीयत पे कौन ध्यान देता है। हर रोज को नई एक रेस बना, रोज ही चढ़ जा लेके खर्चा पानी, क्योंकि जीता तो बस वही है जिसने रोज हार के भी हार नहीं मानी। सांस फूलेगी, छाती तेरी फट फट के बाहर आने वाली होगी, बस यहीं पे मत रुक जाना, क्योंकि एक छोटी सी जीत आज तेरे हाथ से जाने वाली होगी। इन छोटी छोटी जीतों से अपने हौसले को तैयार कर, अपने जिस्म को हरा हरा के उसको जीत के लिए बेकरार कर। अगर भागना तेरे लिए युद्ध नहीं तो तेरा भागना ही बेकार है। देख अपने हाथ दो ढाल, तेरे पैर शिवाजी की तलवार हैं।
अभी थोड़ा ही भाग पाता है तो उतना ही भाग, छोड़ क्यों, किस लिए, कैसे, ये सारे सवाल। धैर्य रख, सब होगा, धीरे धीरे देख अपने पैरों का कमाल। वृक्ष की तरह रोज बढ़ोतरी, रोज कल से ज्यादा खुद को भगाना पड़ेगा। और उस खुदा को मत भूल जाना, उसी से तो ये सारा दम मांग के लाना पड़ेगा। पास होगा या फेल, ये किसी और के नहीं, तेरे हाथ में है। और जिसको ये बात अच्छी तरह मालूम है, भगवान तो बस उसी के साथ में।